चतुर्विद भजंती माम स्वीकृति न अर्जुन। अगर भगवान के पास कोई जाता है जब भगवान हम बहुत गरीब है, हम बहुत दुखी है, हमको थोड़ा सुखी कीजिए, हमको थोड़ा धन दीजिए, उसको पुण्यवान कहा जाता है। बाकी जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल भगवान की सेवा करने के लिए तैयार, उसका नाम है शुद्ध भक्त। जैसा वृंदावन में है, वृंदावन में गोपी लोग नंद महाराज जैसे कि भगवान से कुछ मांगते नहीं, केवल भगवान के सुख के लिए निरुक्त है। वहां जसोदा माई केवल देख रहे हैं उनकी जो बच्चा है वो ठीक से खाया, ठीक से सोया, सुखी है कि नहीं, भगवान से कुछ मांगता है। नंद महाराज भी है, गोपी लोग भी है, भगवान किस तरह से सुखी, ये शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म। तो ये जो आसक्ति भगवत सेवा किस तरह से ये बढ़ सकती है, ये भगवान खुद बता रहे हैं। क्योंकि भगवान का आपका ये प्रश्न था कि भगवान की सेवा किस तरह से आगे बढ़ती है, ये भगवान खुद बता रहे। मैया सक्त मना प्राप्त है जोगम जुंग, ये जोग इसका नाम है भक्ति योग। वो भक्ति योग का अर्थ क्या होता है, भगवान में आसक्ति बढ़ाती, इसका नाम भक्ति। आसक्ति हम लोग का है, आसक्ति एक चीज है हमारा भीतर, बाकी किसी का आसक्ति है धन में है, किसी का दुनिया में है, किसी का अपना देश में है, किसी का अपना समाज में है, और कुछ किसी का कुछ है नहीं, तो कम से कम एक कुत्ता में उसका आसक्ति है, एक बिल्ली में उसका आसक्ति है। आसक्ति जो कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसकी आसक्ति, आसक्ति जरूर, ताकि वो आसक्ति फिरा करके जब भगवान में लगाइएगा उसमें आपका जीवन संपूर्ण हो। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना, मन को ऐसी बनाना चाहिए ये भगवान में आसक्ति खूब बन। मैया सक्त मना पाठ जोगम, ये जोग योगम जुंगत मद आश्रय, और भगवान का आश्रय से ही ये संपूर्ण हो सकता है। विदाउट टेकिंग शेल्टर, भगवान का बिना आश्रय में है, भगवत भक्ति भगवान ये तो भक्ति से ही मालूम हो सकता है। इसलिए मदाश्रय भगवान का आश्रय पहले लेना चाहिए, और भगवान का आश्रय लेने के पहले मद भक्त्या पूजा मधिका, भगवत भक्त जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। ये जो आसक्ति किस तरह से बढ़ती है ये रूप गोस्वामी विचार किया है। ये आदौ श्रद्धा तथो साधु संग, पहले श्रद्धा, जैसा आप लोग सुन रहे हैं भगवान का विषय, ये सुनते सुनते श्रद्धा होती है, जो अब मैं भी भगवान का भक्त हूं, ये सब विचार अच्छी तरह से बताया जाए। भगवान सुत्या भी अन्य भी उपासते, केवल श्रवण कर सकते, ये जो प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा, ये शुरू है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा, और जिसका श्रद्धा है नहीं वो आगे नहीं कर सकता। आदो श्रद्धा तथो साधु संग, यदि श्रद्धा है तो साधु संग कीजिए, यानी जो लोग भगवत भक्त है उनको संग कीजिए। जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं, शेयर का बिजनेस करते हैं, तो शेयर बिजनेस जो करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज उसका मेंबर है। इसी प्रकार यदि आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान का जो भक्त है उसका एसोसिएशन में मिक्स कीजिए, मेंबर है। हम लोग का क्या बिजनेस है, भगवत भक्ति सब कुछ सिखाना है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो सारा दुनिया हम लोग घूम रहे हैं। तो कोई आए तो पाता भी नहीं, सुनता भी नहीं। तो पहले ये था जो कहां भगवत भक्त है ढूंढ ढूंढ के, अब तो भगवत भक्त को ढूंढने पड़ा था कि कौन भगवत भक्त होगा, आइए जी आइए फिर बात करें, ये बिजनेस है। बाकी होना चाहिए जो नियम है, जो आदु सत्या तथु साधु साधु, साधु कौन है, साधु वही भगवत भक्त जो है वही साधु है, और सब साधु नहीं है, चोर है। शास्त्र का सिद्धांत है, जैसे भगवान
भगवत गीता में बताए, अपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्न भाव साधु रेव समन्तव्य। साधु कौन? जो भगवान का भक्त है। भजते माम अनन्न भाव, और कुछ नहीं जानता, किसने छोड़ क्या कर कुछ नहीं, वो साधु। साधु ये भगवान ड्रेस पहनने से साधु नहीं। सब महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान बताए कौन साधु है कौन महात्मा है। वासुदेव सर्वमीति स महात्मा सुदुर्लभ, जो केवल भगवान कृष्ण को ही जानते हैं सब कुछ, ऐसे महात्मा मिलना मुश्किल है। महात्मा अनुष्ठान पाठ देवी प्रकृति मास भजंती अनन्न मनसो, ये महात्मा का लक्षण है केवल कृष्ण भगवान। तो साधु संघ का अर्थ होता है जो महात्मा है, जो साधु केवल भगवत भजन करते और कुछ नहीं जानते। ईशान सतत जुटता भजतान प्रीति की अनन्न भाव, अनन्न भक्ति। अनन्न भक्ति का अर्थ होता है अन्नाभिलाषिता सुन्नम, भगवान से कुछ अदा कर लेंगे ये बात नहीं, सुन्न अन्नाभिलाषिता सुन्नम। ज्ञान कर्मादनावृत, ज्ञान से कर्म से, ज्ञान से चाहते हैं भगवान से एक हो जाए, मर जिंट एग्जिस्टेंस है ज्ञान, ज्ञान पंथ है वो भी नहीं। और कर्म का पंथ है कि हम सब लोग में जाएंगे और आगे जाके हमारा खूब सुख समृद्धि, यही दुनिया में हमारा खूब सुख समृद्धि करेंगे, वो भी नहीं। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मा धनाभ्युतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, केवल भगवान किस तरह से सुखी होंगे, भगवान क्या चाहते हैं उसको समाधान करो, ये विचार से जो है वो भक्ति उत्तम। तो वो उत्तम भक्ति भगवत भाव बढ़ाने के लिए शास्त्र ने बताया, पहले तो श्रद्धा चाहिए और उसके बाद साधु संग, साधु श्रद्धा तथो साधु संग अथवा अनर्थ निवृत्ति साधु संग बाद भजन किया साधु संग। जैसे ये लड़के लोग जो हमारा पास है, पहले सुनता सुनते 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 कोई आगे बढ़ा, क्या महाराज हमको आप शिष्य बनाए, क्या शिष्य बनने से क्या गुरु क्या सिखा रहे, भजन किया इस तरह से भजन करने को सिखा। साधु संग का फल होता है भजन किया, तो जन्म भर साधु संग किया, जन्म भर सुना और कभी भजन किया नहीं, भजन किया सीखा नहीं, वो साधु संग नहीं। वो एसोसिएशन वही एग्जाम्पल, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए तो फिर बिजनेस कीजिए, फिर लाभ कीजिए, अगर लाभ नहीं है तो केवल स्टॉक एक्सचेंज में जाने से क्या फायदा। तो साधु संघ वास्तविक साधु संघ करने से उसका फल होता है भजन क्रिया, और भजन जब फिर शुरू करेगा अनर्थ निमित्त सात, जितना अनर्थ, अनर्थ क्या जो चीज हमको नहीं चाहिए कोई जरूरत है वो सब निमित्त, जो अनर्थ का अर्थ और होता है जो पाप कार्य है वो निमित्त, जो भगवत भजन करके उसका पाप कहां से। तो इसलिए उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग इनको हमारा शिष्य लोग जितना है चार चीज छोड़ दिया है, क्या चीज? अवैध स्त्री संघ, अपनी विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये महापाप है। ये तो भगवत भजन का नहीं, चाणक्य पंडित जो नीति बाप को बताया है उसमें कहा है मातृवत परदारेषु, पंडित कौन होता है? पंडित खाली हाँ संस्कृत दो चार बात बोलने से, ये इंग्लिश बोलने से पंडित नहीं है, उसका गुण क्या है देखना चाहिए। ये पंडित चाणक्य पंडित बताया कि पंडित किसको कहा जाए ना, मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को अपने स्त्री छोड़ करके सबको मातृवत अपनी माँ के समान देखता है, मातृवत परदारेषु परो द्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे का जो धन है उसको देखता है रास्ता का कूड़ा, छूता भी नहीं दे सकते, और आत्म सर्वभूतेषु, और अपने का समान अपना सुख दुख जैसा है दूसरे को भी समझता है। हमारा गला में छुरी देने से जैसा दुख होता है दूसरे को गला छुरी क्यों दे, उनको भी दुख, ये जो समझता है। ये तीन चीज जो लाभ किया है मातृवत परिधारेषु परदेशु आत्मत सर्व सपंडित, वो पंडित।
तो अनर्थ का है ये जो जितना हम लोग सीखते हैं दूसरे का गला में छुरी देने के लिए या दूसरे का औरत को फंसाने के लिए, ये सब अनर्थ, ये सब महापाप है। इसलिए भजन क्रिया भगवत भजन करने से ये सब अनर्थ है मिट जाएगा। आदु सद्या तथो साधु संग, ये उनका पहचान है जो वास्तविक वो भगवत भजन कर रहा है। ये थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। ये सब गुण उसमें अगर आ जाए तो मालूम होता है जो भगवत भजन कर रहा है। आदु सद्या तथो साधु संग तथो भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति होने से, ये पाप कार्य से निवृत्त हो जाने से फिर उनकी आसक्ति तथा आसक्ति रुचि, भगवान खुद ही बताए भगवदगीता में कि जेसाम अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्माण ते दंड महानिन्मुक्त भजन्ति मां दिवप्रभा। भगवत भजन कौन कर सकता है? जेसाम अंतगत पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो। जीसाम अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्माण, केवल पुण्य कार्य करते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति है वो भगवत भजन कर सकते। तो वो भी बड़ा मुश्किल नहीं है। यदि वास्तविक हम भगवत भजन करने को चाहता, भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षो। यदि वास्तविक कोई भगवत भजन करता उसको पाप छू भी नहीं। शास्त्र भक्ति भगवत कुंजना सर्व गुणी तत्व समासते सुरा, ये सब विचार। तो मैया सत्तम अपने भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान जैसे बताते हैं भगवत गीता में, तो पालन कीजिए तो आस्ते आस्ते आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति होने से ही भगवत प्रेम, आसक्ति किसे होता है? जैसे कोई लड़का है लड़की है, आसक्ति जब बढ़ती है तब प्रेम। तो भगवत प्रेम जीवन में लाभ करना ही सबसे उच्च कोटि लाभ। चैतन्य महाप्रभु का विचार है प्रेमा पुमार्थ महा धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, भगवत प्रेम दैट इज द फर्स्ट क्लास रिलीजन सिस्टम। सभी पुंसान करो धर्म गतो भक्ति अधोक। वो धर्म संप्रदाय जिसको भगवत प्रेम बढ़ रहा है दैट इज फर्स्ट क्लास। सभी पुंसान करो, करो पर मीन्स उत्कृष्ट और ट्रांसेंडेंट अपराकित प्राकृत प्राकृत भगवत भक्ति वो टूट जा सकता, ताकि अपराकित भगवत भक्ति जो है वो टूटने वाला। सभी पुंसान करो धर्म जतो भक्ति वधत करे अहुत की अपुति हता जिन आत्मा सम प्रसिद्ध। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते तो वही धर्म का जाजन कीजिए जिसके जरिया से भगवत भक्ति रहा। ये सब शास्त्र के विचार है और भगवान खुद बता रहे हैं। एक एक शब्द अगर विचार करके ग्रहण करेंगे और उसको तज्जोशना और उसको जीवन में वास्तविक अपनाएंगे तो आस्ते आस्ते भगवत भक्ति हो जाएगी। और पहली बात है जो श्रद्धा, जो इस जीवन में जैसे हम लोग प्रचार करते हैं कि भगवत भक्ति लाभ करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, इसमें जिसका श्रद्धा है वो आगे बढ़ सकता है। विदाउट श्रद्धा संभव नहीं है, इसलिए इसका नाम है जो मदाश्रय। पहली आश्रय भगवान, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जो ये भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, जो भगवान इतना दिन तो आपको हम भूला था, अब आपका चरण में मैं आश्रय ले रहा हूं, आप कृपा करके उनका आश्रय दीजिए। तो भगवान का आश्रय देने के लिए खुद दौड़ के इधर आते हैं। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये आदमी लेता नहीं भगवान का बात सुनता नहीं तो भगवान के चरित मुश्किल। मैया सप्तम प्राप्तम योग मदास, भगवान का आश्रय से लेके ये योग भक्ति योग जो प्रैक्टिस करे जीवन में है, उसके लिए भगवान की आसक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान का आसक्ति हमेशा जीवन सफल। धन्यवाद।